गले लग के रोई है, मम्मा मई मम्मा, उसको देख के मेरे भी आंसू आ गए थे। क्यों आज तो इतने मजा आ रहा है, इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है हमें। हमने बस ही प्रेफर किया क्योंकि पैसा सेव होता है सबसे बड़ी बात, थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। आज इनको जो कैब बुक हुई है कितने में मिली है बता। वो जो सुपरवाइजर थी वो मुझे मेरा पहला दिन याद दिला रही थी। इतनी बुद्धि नहीं चली, डॉक्टर यहाँ पे बोल रहा है उसके लिए रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। बट कभी ऐसा छोड़ा नहीं, छोटी सी थी 2.5 साल की। बस से जाने का कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अभी हम लोग कैब करेंगे फटाफट, 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। रेंटल के केस में ऐसा नहीं है, आप जाके डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ऐसी क्लास टीचर है सबको, एक तो मैम वगैरह कोई बोलता नहीं है, यहाँ पे सबका नाम लिया जाता है। वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर थर्सडे है और मैं सदी को 9:30 बजे आज छोड़ने जा रही हूँ। आप लोग को पता है व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है और बाहर से स्टार्ट किया है, तो मॉर्निंग रूटीन तो आप लोग को पता ही है, पहले इनको छोड़ के आते हैं फिर बाकी घर के सारे काम होते हैं। तो आज 9:30 बजे छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि इसको अच्छे से नाश्ता करा दिया है। आज हम लोग को जाना है फैमिली डॉक्टर के, अभी तो धूप नहीं आ रही, इतनी तगड़ी धूप थी कि मुझे चश्मा लगा के आना पड़ा, आँखें नहीं खुलती। तो फैमिली डॉक्टर के जाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। पहले तो फैमिली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो, यहाँ पे एक अलग लोचा है। उसके बाद अगर आपको किसी और डॉक्टर को दिखाना है तो फैमिली डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कौन से डॉक्टर के पास आप जा सकते हो। अगर इवन ब्लड टेस्ट भी कराने हैं, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का टेस्ट कराना है तो आपका फैमिली डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा। आप ऐसा नहीं कि आप डायग्नोस्टिक पे चले जाओ, डायरेक्टर अपना बोलो कि मुझे ब्लड शुगर चेक कराना है या मुझे ये चेक कराना है वो चेक कराना है। डॉक्टर लिखेगा, बताएगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, तब आप जा पाओगे। तो इसीलिए पहले हम लोग को अपॉइंटमेंट लिया हम लोगों ने फैमिली डॉक्टर का, तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद मैं इनके थोड़ा दांत में ना दर्द हो रहा था, तो ये बोले कि एक बार डेंटिस्ट को दिखा देता हूँ, बहुत सेंसेशन सा हो रहा है, पानी भी पी रहे हैं तो बहुत लग रहा है उनको। तो मैं वही बोल रही थी कि तो डेंटिस्ट का जो अपॉइंटमेंट है वो भी लेना पड़ेगा, तो वो फैमिली डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि हमारे घर के आसपास कौन सा फैमिली डेंटिस्ट है जो कि देख सकता है मैं इनको। और बहुत ज़्यादा 3-4 दिन से बोल रहे थे, तो मैंने कहा स्वदी को स्कूल छोड़ देते हैं। फिर अभी बीच में 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है। ओके, लेट्स कॉल नानी एंड मौसी। हमेशा ऐसा होता है जाते वक्त कॉल करते हैं नानी को, तो अभी बोल रही है नानी मौसी को कॉल करो। ठीक है, करते हैं अभी। तो 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है, पहले जाएंगे फैमिली डॉक्टर के। और मैं की जाने वाले थे, फिर मैंने कहा मैं भी दिखा लूँगी, ऐसे ही रेगुलर चेकअप हो ही जाएगा, तो मतलब चले ही जाऊँगी साथ में स्वरी को स्कूल छोड़ के, अकेले घर में क्या करूँगी। तो मैं और मैं जाएंगे 1:30 बजे, खाना सब तक रेडी करना है, स्वरी को छोड़ के आऊँगी। और आज तो स्वरी की क्लास भी है थर्सडे, जो कितने दिनों से हो ही नहीं पा रही थी। तो आज सब कुछ पैक है एकदम सुबह से, कुछ ना कुछ लाइनअप है, सब कुछ करना है, घर जाके काम निपटाना है, खाना रेडी करके जाना है, फिर डॉक्टर के वहाँ से होने के बाद स्वदी को पिक करके उसको खाना खिला के फिर क्लास लेके जाना है। तो इसीलिए आज थोड़ा सा इसको लेट ले जा रही हूँ ताकि ये आराम से खेले, पेट भी थोड़ा भरा रहेगा तो वहाँ पे आराम से खेलेगी, 2 टाइम का स्नैक मिल जाएगा, लंच भी कर लेगी, तो उतना मुझे टेंशन नहीं है कि इसने कुछ खाया है नहीं। अभी स्वदी को छोड़कर आगे मैं आपको वही बता रही थी ना कि इतना एक्साइटेड रहती है वो, कि जितनी भी सुपरवाइजर हैं इसकी, क्लास टीचर है सबको, एक तो मैम वगैरह कोई बोलता नहीं है, यहाँ पे सबका नाम लिया जाता है, जैसे तानिया, यूनेस और मर्लिन, तो जीली, इस तरीके से नाम है सारे टीचर्स के, तो सबको जाके नाम से हाय जीली, हाय तानिया करती है। तो अभी मुझे वही बोल रही थी कि देखो कितनी ज़्यादा एक्टिव और सोशल गर्ल है ये। मैंने कहा आप तो पूरा फुल ऑन, सब लोग बोलते हैं इतनी सोशलाइज है ये पूरी, सबसे हाय हेलो करती है, किसी बच्चे के साथ खेलना हो तो शायद नहीं फील करती ज़रा भी। मैंने कहा पहले हाल, वो जो सुपरवाइजर थी वो मुझे मेरा पहला दिन याद दिला रही थी, कह रही आप पहले दिन आए थे तो यू वर क्राई लाइक आई नेवर लेफ्ट हर अलोन। मैंने कहा ये तो टाइम मैंने भी फेस किया था, पहले दिन तो मैं इतना रोई थी क्योंकि 2 घंटे के लिए भी छोड़ा ना उस टाइम, नया पहली बार कहीं छोड़ा, और वो भी अपने से दूर, नया जगह था, नया स्कूल, नया देश, तो थोड़ा सा मुझे डर लगा था, कि डर एज इन मतलब वो कोई नहीं कि यार कैसे रहेगी, बट कभी ऐसा छोड़ा नहीं, छोटी सी थी 2.5 साल की, तब से जा रही है वो, तो उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हुई, सिर्फ 2 घंटे में मेरी हालत ख़राब हो गई और बहुत रो भी रही थी। और जैसे ही मैं मिली उससे, मैं उसे पिक करने गई तो गले लग के रोई है, मम्मा मई मम्मा, उसको देख के मेरे भी आंसू आ गए थे। तो वही दिन आज वो मुझे याद दिला रही थी कि आज देखो कितनी सोशल है, आप घर ले जाने के लिए बोलते हो तो भी नहीं जाना चाहती है, इसको इतना मज़ा आता है।
तो मैं उन लोगों से बात करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। मैंने कहा 1.5 साल में वो इतनी प्रो हो गई है कि अब किसी स्कूल में भेज दो, किसी फ्रेंड्स के साथ छोड़ दो, पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ छोड़ दो, वो मज़े से रह लेती है। यही फ़ायदा होता है। और जो लोग पूरे पूरे दिन छोड़ते हैं वो कैसे छोड़ते होंगे, पहले तो मुझे लगता था मैं 2 घंटे भी नहीं छोड़ पाऊंगी, बट अभी जब ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाती है ना, खाना भी बच्चा खा ले, रह भी लेता है मम्मी के बगैर, डैडी के बगैर, तो थोड़ा सा ना फ्री हो जाते हैं। बाय चांस कोई काम करना है या फिर जो दोनों वर्किंग है मम और डैड, तो दोनों लोग के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि बच्चे की टेंशन नहीं है, आराम से टेक केयर में है, प्री स्कूल में है, कोई टेंशन ही नहीं होती। वैसे भी 15-10 दिन की बात और है, चलते चलते सांस फूल जाती है। और ये जा रही हूँ घर, सारा काम निपटा के फिर मैं आपको मिलूँगी जब हम डॉक्टर के जाएंगे, तब बताते हैं कैसा रहता है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं डॉक्टर के जाने के लिए, और सारा काम करते करते मैं तो रेडी हो गई थी, बट माइन का ऑफिस भी चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। 1:05 यहीं हो गया है, 1:30 हम लोग को डॉक्टर के पहुंचना है। तो अभी हम लोग को बस से जाने का कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अभी हम लोग कैब करेंगे, फटाफट 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे वहाँ क्लिनिक पर, क्योंकि 1:30 का अपॉइंटमेंट है, 2-2:30 बजे तक शायद डॉक्टर वहाँ से उठ जाते हैं, तो पहुंचना टाइम पर ज़रूरी है। अब जो अपॉइंटमेंट बुक किया 1:30 बजे का, तो वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तो फिर दिक्कत होगा इस वजह से। और स्वदी को भी देखते हैं, अगर वहाँ से जल्दी काम से फ्री हो गए तो उसको लेते हुए आ जाएंगे, तो लगभग 3 बज जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ से जा रहे हैं, कैब से आएंगे बस से, तो बस से लगभग 40 मिनट्स लगता है पहुँचने में। अभी बस वेट कर रहे हैं कैब का, खाना वाना सब बन गया था, मैं दाल चावल बना के आई हूँ, और नाश्ते में हम लोगों ने जो कल का मेरा प्रसाद वरसाद जो बचा था, एकादशी का साबुदाना रखा हुआ था, फिर थोड़ा मेरा जो मैंने कुटू के वो बनाए थे ना पकौड़ियाँ, वो बचा हुआ था उसका पेस्ट, तो उसके मैंने चीले बना लिए थे, तो नाश्ता तो हम लोग का हो ही चुका है। डॉक्टर का काम हो गया है और इतनी जल्दी 10 मिनट के अंदर हम लोग आ गए थे कैब से, और बड़ा अच्छा डिस्काउंट भी मिल गया, $6 के अंदर हम लोग बस पहुंच गए डॉक्टर के पास। और काम था लगभग आधा घंटे का, लेकिन उसमें डॉक्टर का वेट करते करते 1 घंटा हो गया, 2:30 बज गया है, 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, 1:15 बजे हम लोग आ गए 10 मिनट के अंदर। अभी हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं अगर कुछ ऑफर मिला तो जल्दी से, ये बोल रहे हैं कि कैब से चले जाएंगे, क्योंकि पूरा 50 मिनट दिखा रहा है बस से जाने में, और $6 तो सच में, $6 या $6.5 तो हम लोग का बस में लग जाता है, $3.50 एक जने का लगता है 2 घंटे के लिए, तो बेटर है कि अगर कैब मिल जाएगी तो टाइम भी बचेगा और जल्दी भी पहुँच जाएंगे। और इनका ऑफिस भी चल रहा है ना, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं सकते। और अभी स्वदी को लेते हुए जाऊंगी साथ के साथ, बस वही है, खाना वाना भी किसी ने खाया नहीं है, मैंने तो भी थोड़ा बहुत कुछ चटर मटर खा लिया, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं खाया, फ्रूट्स वगैरह रख लिया था, तो वही बीच में थोड़ा बहुत मंचिंग करना पड़ेगा। $6 में भी नहीं। और मैं आपको ये बता देती हूँ, आज तो इतने मजा आ रहा है, इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है हमें कैब में, इतनी हम लोगों ने कभी मुश्किल से, जब से आए 1.5 साल हमेशा हमने बस ही प्रेफर किया, क्योंकि पैसा सेव होता है सबसे बड़ी बात, थोड़ा टाइम लगता है कोई बात नहीं, कैब में फालतू $25-15 देके क्या फायदा। लेकिन आज इनको जो कैब बुक हुई है कितने में मिली है बताओ? 550 में। बताओ इतना दूर 10 मिनट का रास्ता, $5.50 में पहुंच जाएंगे, 5.50 में। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि कैब से ही चले जाएं, स्वदी को लेके आने का भी टाइम हो गया। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, हम लोग आए थे कि साथ में इनको अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर से, पूछ लेंगे डेंटल का, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं चली, डॉक्टर यहाँ पे बोल रहा है उसके लिए रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, डेंटल पे जाओ, कोई नियर बाय डेंटल ढूंढो गूगल से, उसका अपॉइंटमेंट बुक करो, और उसके साथ में आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हो, वो भी रिसेंटली जितने भी अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स होंगे उनमें आपको टाइम दे देगा। और हमें लगा कि फैमिली डॉक्टर रिकमेंड करेगा डेंटल के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसे ही लगता था कि जहाँ पे भी डॉक्टर जाना है, अगर किसी डॉक्टर के पास जाना है तो ऑब्वियसली बात है फैमिली डॉक्टर बताएगा, वो रिकमेंड करेगा, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बट डेंटल के केस में ऐसा नहीं है, आप जाके डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ले सकते हो गूगल करके नियर बाय जो भी डेंटिस्ट है उससे। तो इनका दांत का काम जो है वो ऐसे ही गूगल करके डॉक्टर से मिलके, किधर जाना है वो देखना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन हो रहा है ना, खाने में भी थोड़ा बहुत पेन वगैरह भी हो रहा है, और सेंसोडाइन वगैरह सब यूज़ करके भी देख लिया, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं किस वजह से दर्द हो रहा है। तो अब देखते हैं, अपॉइंटमेंट मिलता है तो दिखा के आएंगे डेंटिस्ट पे, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ जाएगा तो इधर से कहाँ आएगी, कौन सी वाली है कैब? ये कैब हमारी, बोलो अभी यहाँ से।
अभी आ चुके हैं घर पर और घर आके शांति मिली। एक से डेढ़ घंटे के अंदर सारा काम हो गया, नहीं तो जाने आने में सच में लग जाता पूरा 50 मिनट जाने में, 40 मिनट आने में। तो अभी स्वदी को लेने गए हैं मयंक और मैं यहाँ पे खाना रेडी कर देती हूँ। दाल में लगाना है तड़का मुझे, क्योंकि दाल और चावल तो बना के गई थी। बस अब आ जाएगी तो उसको खाना खिला के फिर एक दूसरे मिशन पे निकलना है। स्वदी की क्लास इतने दिनों से नहीं हुई, लगभग एक हफ्ते क्या 10 दिन आज हो जाएगा, 10 दिन से वो क्लास ही नहीं गई है। उसका रिदम पूरा ब्रेक हो जाएगा तो और ज्यादा दिक्कत होगा। अभी स्वदी को लेके जा रही हूँ, अभी थोड़ा 4:45 बज रहा है और मैं ही आ गई। मैंने कहा चलो मैं ही ले जाती हूँ, वो अपना काम कर रहे थे, फिर बीच में वो डॉक्टर के भी गए थे, तो इसलिए मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करना। बीच में काम थोड़ा 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो गया तो मैं ही लेके चली जाती हूँ। उसको खाना खिलाया, आज दाल चावल से मुझे बहुत हेल्प हो गई थी, मैं वही बता रही थी, इसीलिए इतना जल्दी बना लिया था कि फटाफट से। इसको इतना पसंद है कि वो 10 मिनट के अंदर खाना खत्म कर देती है, रोटी अगर खिलाने लगो तो 1 घंटा लग जाता है कभी कभार इन्हें। तो इस वजह से मैंने खाना खिलाया, थोड़ी देर 1/2 घंटे मैंने भी रेस्ट किया, फिर हम लोग रेडी होके करीबन 4:45 बजे निकले हैं। 5:30-5:25 से इसकी क्लास होती है, पहुंच जाएंगे कम से कम 15-20 मिनट में वॉक करते करते। स्वदी को छोड़कर नीचे आ गई क्योंकि वो मेरे रहते नहीं करती है, मेरे को ही दिखती रहती है, तो हमने उसको नीचे छोड़ दिया। करो क्लास, हम ऊपर बैठते हैं। तो अभी स्वदी की क्लास भी ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी बराबर में जो मार्केट था वहाँ से मैंने सब्जियों की शॉपिंग भी कर ली है, क्योंकि इसको छोड़ के जाना ना तो अकेले क्लास करना इसके लिए बेहतर है। मैं पास में बैठी रहती हूँ तो उसको बिल्कुल करना नहीं होता है, देख के बार बार फ्लाइंग किसी करेगी, मामा मामा आई लव यू, अच्छे से कंसंट्रेट नहीं करती है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसको। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, इसीलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। घर जाके चाय बनाना है और बाकी के रात के खाने की तैयारी वगैरह भी करनी है। बाप रे, कभी कभार स्पीड लिमिट होने के बावजूद भी लोग इतनी तेज़ लेके जाते हैं बराबर से। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।